आप लोगों की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है जो कि इस वीडियो को देख रहे हैं। तो भाई ये जो सिपाही है ना, इनकी कोई गलती नहीं है। और मैं वीडियोस देख के खुद परेशान हो गया हूँ कि लोग पता नहीं अजीबोगरीब किस्म की बातें कर रही है। मैंने ये अनबॉक्सिंग करनी थी दोनों चैनल्स की जो मैं बनाता हूँ रेगुलर वीडियोस, मगर पता नहीं मैंने, खैर बाकी मुझे मुल्कों का नॉलेज है, तो भाई इनको पीछे से ऑर्डर आए होते हैं, चाहे वो पुलिस वाला हो कोई भी हो, उसको सिर्फ ऑर्डर आता है। तो किसी को आपने बुरा भला कहना ना, तो उस टाइटल को मेंशन करके बोलें और इन बेचारों को सल्यूट करें कि ये खड़े हुए हैं, बेचारे आपको भी देख रहे हैं और पीछे से भी जो है वो देख रहे हैं। और इनकी जो है ये बेचारे मुफ्त में जो है ना वो दब रहे होते हैं, सिवाय सिर्फ इनकी ट्रेनिंग की वजह से और सारा कुछ है इस वजह से, तो इनकी इसमें कोई गलती नहीं है। और सीरिया, ये सारे मुल्कों में यही हाल हुआ है। और आर्मी की एक सपोर्ट व्हीकल खड़ी हुई थी लाहौर कैंट के अंदर, और लोग आगे से वीडियो बना के कह रहे हैं कि हमारे लिए गोलियां, हमारे लिए टैंक खड़ा कर दिया है। भाई साहब वो सिर्फ सर्वेलेंस के लिए होता है और उसका काम इतना सा होता है, एक आर्मी सपोर्ट व्हीकल होती है इनकी, अगर कोई जंग वगैरह लग जाए ना, तो जो भी कमांडर जनरल या मेजर ब्रिगेडियर जो भी उस लीड को, फॉर्मेशन को लीड कर रहा होता है ना, वो पीछे वहाँ से जो है वो आगे हिदायत कह लो या इंस्ट्रक्शन दे रहा होता है कि आगे आर्मी का यहाँ पे जो उसे डिटेल्स वगैरह मिल रही होती है ग्राउंड बायर से, उस हिसाब से जो है वो आगे फॉर्मेशन को ऑर्डर देता है। वो इसलिए यूज़ होती है और क्योंकि कंटोनमेंट के अंदर जो है वो एंटर होने दिया कि लोग जो है वो ट्राई करे थे, तो उसकी सर्विलेंस के लिए जो है वहां पे लाके खड़ी की हुई थी एक प्राइवेट जो है वो होता है और उसके अंदर लोग बैठ के जो है चीज को मॉनिटर करते हैं। अब जो वहां पे खड़े हुए थे लोग, जिस मर्जी जगह पे ऐसे खड़े हों, उनको कुछ भी कहने की या उनकी तो कोई गलती नहीं है। और जो भी आप देख रहे हो, जितने भी जानने वाले हैं, उन सबको ये बताना जरूर कि भाई ये असल में ये बात है। जिनको भी आपने कहना है, जो भी कह लो ऊपर की टॉप मैनेजमेंट है ना, उनके बारे में जो है वो करो आप लोग। और लीडर्स भी ऐसे हैं इवन के वो भी इस चीज़ को मेंशन नहीं कर रहे कि भाई जो भी है जिनको भी बोलना है वो कहाँ पे जो उनका रैंक है उसको जाके आप करो। तो ये भाई है। और सीरिया के अंदर क्या हालात हुए हैं पता नहीं, हर बार ही बताना भूल जाते हैं, पता नहीं क्या वजह, मेरी समझ से बाहर है। तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, और ना मैं इस वीडियो का टाइटल इस तरह का रखूँगा, जस्ट जो लोग मुझे फॉलो करते हैं वो देख लें। तो ये भाई वीडियो है और बस जितने भी सब्सक्राइबर हैं वही देखेंगे, जो भी देखते हैं, तो आप आगे जितने भी हैं उन सबको एटलीस्ट ये चीज़ बताना ज़रूर कि भाई इनकी कोई गलती नहीं है, इनकी ट्रेनिंग का हिस्सा है, इनको ऑर्डर्स होते हैं। आप भी होंगे ना, मैं भी होऊंगा, हम भी यही चीज़ फॉलो करेंगे, तो ये कुछ है। और वैसे हट के पीछे भी नहीं आ सकते, तो ये भाई कुछ सारा है चक्कर वगैरह। तो आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ आ गई होंगी। बाकी इंशाल्लाह मैं आपसे इनकी वीडियो के अंदर मिलता हूँ जल्दी। अल्लाह हाफिज़।